अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं असगर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं समरीन। उम्मीद है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे और हम सब के रिस्क में बरकत। तो फ्रेंड व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है और हम लोग फाइनली निकल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, हमने आपको दिखाया था कि हम बस तक पहुंचे थे और हमने व्लॉग को वहीं पे एंड कर दिया था, तो अब हमारा व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो बस ये देखें, हमारी बस भी आ चुकी है और हमने लगेज भी रखवा दिया है। अब्बू बच्चे सब अंदर बैठे हुए हैं, चले आपको उधर ले चलते हैं और बस का आपको रिव्यू देते हैं कि बस अंदर से कैसी है और सकलेन कहाँ बैठे हुए, अब्बू बैठे हुए, तो उनसे भी मिलवाते हैं। तो चलते हैं अंदर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल के बटन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। चुप चुप के मत देखिएगा, सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग चल रहे हैं अभी अपनी बस में और देखे समरीन चढ़ चुकी हैं और मैं भी चढ़ रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बस में एंटर हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और आगे हमारी सीट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी रश है और जैसे ही रश थोड़ा सा हटता है तो फिर मैं आपको अपनी सीट भी दिखाता हूँ और सकलेन कहाँ बैठे हैं वो भी आपको सकलेन से भी मिलवाता हूँ, सकलेन और कायनात से। ये देखें, यहाँ पे कायनात ज़ेरा है और ये कायनात ज़ेरा की सीट है, सलाम करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, हमारे भाई भी है, जाफ़र भाई भी है और जाफ़र भाई की सीट ये वाली है, कायनात ज़ेरा की और ज़ेरा की सीट ये वाली है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे अपनी सीट आपको दिखाते कि अब्बू कहाँ बैठे हुए और सकलेन कहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ये प्यारी सी आयजा है माशाल्लाह और आयजा अभी पता नहीं क्या कुछ मांग रही है। और यहाँ पे देखिए समरीन बैठी हुई है, जी समरीन। तो समरीन को फाइनली सीट यहाँ पे मिल चुकी है और समरीन के साथ और आपके साथ कौन बैठेगा अभी इस वक्त? आप अकेली बैठोगी? वाह भाई, आपके मज़े है यार। कौन बच्चा है? चले तो ये ऑप्शनल है, कोई भी आ जाए आपके साथ, है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखे, अब्बू को हमने बिठा दिया है और अब्बू के बराबर में है मोहम्मद सकलेन। तो अब मोहम्मद सकलेन हट जाएंगे हमारी सीट से और हम बैठेंगे अब, है ना। आप अपनी सीट पे चले जाए बेटा, बहुत हो गया, किराया पूरा हो गया, है ना, किराया पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स मेरी सीट ये है और माशाल्लाह मैंने देखे आपको बस का रिव्यू दे दिया। हमें ये गेट के पास, ये आप देख सकते हैं गेट है और अब्बू की व्हील चेयर रखी हुई है और ये हमारा ही बैग है और इसी के बराबर में हमें यहाँ पे सीट मिल गई है। हमने गेट के पास इसलिए लिए ताकि अब्बू आराम से जो है वो उतर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में, इंशाल्लाह बस चलेगी तो फिर आपसे मिलेंगे समरीन, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मेरे साथ है अब्बू, देख सकते हैं आप, और अब्बू बैठे हुए हैं और अब्बू इस वक्त क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब्बू खा रहे हैं इस वक्त खाना, अब्बू का टाइम हो गया है, हमारी बस अभी तक चली नहीं है। ये देखे बस हमारी अभी तक खड़ी हुई है और टाइम हो रहा है इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं फ्रेंड्स और अभी तक बस चली नहीं है और अब्बू खाते हैं खाना जल्दी, तो इसलिए अब्बू को हमने यहाँ पर दे दिया है और अब्बू खा रहे खाना। और अब देखे पता नहीं हमारी बस किस टाइम चलेगी और अभी कितना टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह फिर आगे भी आपके साथ इसी तरह शेयर करते रहेंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा व्लॉग पर। फ्रेंड्स इस वक्त हम लोग रुके हुए हैं हब चौकी पर और आप लोग देख सकते हैं हमारी बसेस सामने खड़ी हुई है, एक बस ये रही और एक बस ये रही, दो बसेस खड़ी हुई है और हम लोग अभी हब चौकी पर है। ये रेस्टोरेंट है, न्यू दुआ रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर कारवान वाले ने रोकी है ताकि किसी को अगर खाना वगैरह खाना है या चाय वगैरह पीनी है तो वो पी सकता है। और फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड है। कायनात ज़ेरा ठंड कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। मोहम्मद सकलेन ठंड कैसी लग रही नहीं है? ये देखे फ्रेंड्स, मोहम्मद सकलेन ने अपना जैकेट उतार के जो है वो अपने दादा को पहना दिया है। यहाँ पे देखे अब्बू भी बैठे हुए हैं और अब्बू स्मोकिंग कर रहे हैं और इसके अलावा चाय वगैरह पी रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और देखे समरीन भी यहाँ पे है, समरीन ठंड कैसी है? तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी पी ली है और ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हम लोग हब चौकी पे आए हुए हैं और यहाँ पे सामने देखे डीजी सीमेंट फैक्ट्री है
तो ये आप देख सकते हैं सामने आपको नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें तो ये हब चौकी पे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग कितनी देर रुकते हैं, तकरीबन आधा घंटा हम लोग रुकेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दिया है वॉशरूम वगैरह के लिए और उसके अलावा खाने पीने के लिए और चाय वगैरह के लिए। तो अभी जो है हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, तो हमारे साथ ही व्लॉग में रहिएगा आप लोग। और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स रात में बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोग सो गए, कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। और अभी मॉर्निंग में जो है मेरी आँख खुली, तो इस टाइम देखे सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आप लोगों को सुबह बखैर, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। और देखिए बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस वक्त हम लोग जो गुज़र रहे हैं वो गुज़र रहे हैं हम लोग ओमारा बीच के, ओमारा बीच का जो एरिया है वहाँ से गुज़र रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये, और यहाँ पे बीच है जिसका नाम ओमारा है और बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो मैंने सोचा चले आपके साथ ये भी शेयर करूँ, सुबह सुबह एक तो उठे और उठते के साथ इतना खूबसूरत नज़ारा, दिल खुश हो गया फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छे से नींद आ गई सुकून के साथ और हमारी बस भी काफ़ी कंफर्टेबल थी। और अब देखिए ये जो है बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, तो आप लोग करें बाहर के व्यू को एंजॉय। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और 12 घंटे के पूरे सफ़र के बाद हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पे, रमदान बॉर्डर पे। तो फ्रेंड्स रमदान बॉर्डर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और पूरे 12 घंटे लगे। रात को 11:30 बजे हमारी बस स्टार्ट हुई थी और अभी सुबह के 11:30 बजे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग सबको सुबह बखैर, एक नई सुबह और एक नए दिन के साथ व्लॉग में फिर से हाजिर हो गए। व्लॉग वही पुराना है लेकिन हम लोग हाजिर हो गए आपके साथ नई सुबह के साथ। तो फ्रेंड्स अभी ये व्लॉग कंटिन्यू वही चल रहा है जो हमने रात को शुरू किया था, और अब इसके आगे भी जहां हम जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी यहां पे चल रहा है वीज़ा का प्रोसेस रमदान बॉर्डर पे, बॉर्डर पास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कहां जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं। वैसे तो आपको बता दिया हमने, तो हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह जा रहे हैं, किस तरह पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक का भी आपके साथ पूरा शेयर किया, आगे भी पूरा शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल के बटन कॉल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम आगे की भी अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और हम बाय बाय कर देंगे कराची को, बाय बाय कराची, बाय बाय कराची रात को ही हो गया था, अब बाय बाय पाकिस्तान होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का भी दिखाता हूँ कि यहाँ बॉर्डर पे क्या है, किस तरह से है, ये भी दिखाता हूँ। अब्बू और बच्चों को भी दिखाता हूँ, तो आए चले अब्बू और बच्चे वहाँ साइड पे खड़े हुए, तो वो भी दिखाता हूँ। बैग्स अपने ढूंढ रहे, बैग्स, हमारे बैग्स, हमारे बैग्स। चले आए दिखाता हूँ।
ये हमारी देखे बस है और ये अल मुमताज वालों की है। देखे अल मुमताज वालों की बस है और यहाँ पे देखे रेंजर्स भी खड़ी हुई है और चेकिंग वगैरह हो रही है सारी। और ये देखे हमारे यहाँ पे अबू भी यहाँ पे है। देखे अबू को हमने यहाँ पे व्हील चेयर पर बिठा दिया है। और इसके अलावा देखिए ये हमारे लगेज बैग्स पड़े हुए इधर भी पड़े हुए हैं और इधर भी हमारे लगेज बैग्स पड़े हुए हैं। तो बस अब वेट कर रहे हैं आगे के प्रोसेस का। इंशाल्लाह आगे चलेंगे और वीज़ा का प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर जो जो होगा आगे इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ये देखिए मोहम्मद सकलेन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। मोहम्मद सकलेन आगे ला दो। कायना ज़ेरा भी खड़ी है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं सामने जो है आपको बसेस नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे सारे देखे बसेस खड़ी है लाइन से और सारे पैसेंजर्स को इन्होंने उतार दिया है अलग अलग मुख्तलिफ कारवान की बसेस है। और आज की तारीख में भी काफ़ी बसेस आई हुई हैं यहाँ पे। और ये पूरा देखे ये बॉर्डर का एरिया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखे इस वक्त काफ़ी सारे ज़ायरीन हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे इस वक्त, और उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा रश है। तो अभी हम भी आगे की तरफ जाएंगे लाइन बना के इमिग्रेशन उस पर काउंटर्स पे, वहाँ पे वीज़ा वगैरह हमारा चेक होगा। फ्रेंड्स देखे अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं अभी, और अबू को मैं लेके जा रहा हूँ व्हील चेयर चला के। तो अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह और वहाँ पे आगे चल के आपसे मुलाकात होगी। तो फ्रेंड्स अभी देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ है, और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो सामने आप देखें कि ये ईरानी फ्लैग लगा हुआ है। तो वो ईरान की हदूद है जहाँ पे ईरानी फ्लैग लगा हुआ है, और ये पाकिस्तान की आखिरी हदूद है जहाँ पे ये ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस के ऊपर ये लगा हुआ है फ्लैग। तो अभी हमारी टर्न आने वाली है, लाइन लग चुकी है ऑफिस के आगे, जिस पे हमें अंदर जाके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगा आउट का, पाकिस्तान से आउट होने का। तो मैंने सोचा कि जब तक आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा दूँ, थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो अब थोड़ा बच्चों को भूख लग गई थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक छोटे सी दुकान थी, स्टॉल टाइप का था, तो यहाँ पे बच्चों की चिप्स बिस्किट जंक फूड टाइप सब कुछ था, कोल्ड ड्रिंक्स थी, कैंस थे, सब कुछ था। तो बच्चों ने कहा उन्हें थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैंने कहा चले ले लें आप लोग। तो फ्रेंड्स अब हमारी टर्न आ चुकी है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पासपोर्ट है और वीज़ा है। और ये देखिए ये हमारी लाइन लगी हुई थी, तो ये FIA का ऑफिस है, और यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे, एंटर होंगे और हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगी आउट की, यानी मतलब हम पाकिस्तान से आउट होंगे तो उसकी स्टैम्प लगेगी। तो बस अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। और ये सामने आपको जो नज़र आ रहे शख्स, ये हमारे कारवान के सालार है अली हुसैन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें हम लोग जो है अभी लंच कर रहे हैं दोपहर का, और हम जो है पाकिस्तानी एम्बेसी से एग्ज़िट हो चुके हैं और ईरानी एम्बेसी में एंटर हो रहे हैं। एंटर करेंगे तो हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोग बैठ गए इधर खाना खाने अभी इस वक्त लंच करने के लिए। तो आप लोग भी आ जाए हमारी प्यारी सी YouTube फैमिली, अगर आप लोग लंच करना चाहे तो यहाँ पे मज़ेदार बिरयानी है, उसके साथ जो है वो किसका सालन था, चिकन का, चिकन तवा चिकन का सालन था हमारे पास, और बिरयानी भी थी। पप्पा आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, पप्पा इस वक्त मसरूफ़ है, खाना खा रहे पप्पा। और यहाँ पे देखे ये हमारे पास ये हलवा भी था मीठे में, कीमे झींगे का सालन भी था हमारे पास। तो बहुत सारी वैरायटी थी हमारे पास, मुख्तलिफ डिशेस थी। तो प्यारी सी YouTube फैमिली आप लोग भी आ जाए जी। तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खा चुके हैं और अब देखें हम लोग लाइन में दोबारा से लग गए हैं, और ये लाइन है ईरानी बॉर्डर के अंदर इन होने वाली। यहाँ पे हम लाइन में लगे हैं, अब हमारी टर्न आएगी और काफ़ी ज़्यादा रश है, और यहाँ पे हमारे पासपोर्ट पे इन की स्टैम्प लगेगी कि हम अंदर इन हो रहे हैं ईरान के अंदर। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ज़ायरीन हैं, और मेरे हाथ में देखें दोबारा से पासपोर्ट है और वीज़ा है, और अबू मेरे साथ साथ ही है। सकलेन पीछे हैं, सकलेन के पास सामान है, और समरीन और कायनात जो है वो लेडीज़ सेक्शन में है, जेंट्स की अलग लाइन है, लेडीज़ की अलग लाइन है। और ये देखें हम लोग एंटर हो चुके हैं अंदर, और यहाँ पे देखें आपको सामने फ़ारसी में बोर्ड भी लिखा हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ायरीन जमा हुए हुए हैं क्योंकि सब अभी इन हुए हैं, और इन होने के बाद अब सब यहाँ पे जमा है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में चाबहार के लिए। तो चाबहार यहाँ से तकरीबन बॉर्डर से 1.5 से 2 घंटे की मुसाफिर पे है, 1.5 से 2 घंटे में नॉर्मली पहुंच जाते हैं चाबहार। तो अब चाबहार पहुंचने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखे चाबहार पहुंच चुके हैं, और ये देखे चाबहार का एक रेस्टोरेंट है,
और ये देखें सामने बच्चों के बहुत ही ज़बरदस्त टोकन वाले जो है झूले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त प्ले एरिया इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और सामने आप पहाड़ देखें, वाह खूबसूरत माशाल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की कुदरत, आप देखें कितने खूबसूरत हसीन तरीन मंज़र है, ये आँखों को मतलब ज़बरदस्त ठंडक देने वाला मंज़र है। और ये देखें सामने कितना खूबसूरत इन्होंने ये एक और प्ले एरिया बनाया हुआ है, और ये नॉर्मल झूले हैं और जो पहले दिखाए थे वो टोकन वाले थे। और एक साइड पे आप देखें तो ये यहाँ पे चाबहार का सी साइड है जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, नारियल के दरख्त लगे हुए हैं, कोकोनट डेट के ट्रीज लगे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और ये देखें हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और अभी हम लोग यहाँ पे जो है डिनर करेंगे। कारवान वालों ने हमें चाबहार में ये होटल में रेस्टोरेंट में लाए हैं और यहाँ पे डिनर है उनकी तरफ से, तो अभी डिनर भी आएगा इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि डिनर में क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट भी बहुत खूबसूरत है और नीचे का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर देखे अब्बू बैठे हैं, समरीन बैठी हैं और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आ चुकी हैं, देखे पानी की बॉटल भी है और अब खाना आएगा तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। आयशा देखो सो रही है, तो फ्रेंड्स बच्चे भी खाने का वेट कर रहे हैं, बस अभी खाना आता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये देखिए ये रेस्टोरेंट है, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ऊपर भी लेके चल के दिखाता हूँ ऊपर से व्यू। फर्स्ट स्टेप पे हम लोग बैठे हुए थे, ये इसका सेकंड स्टेप है और यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट है, सिटिंग एरिया देखें, यहाँ पे भी हमारे कारवान के काफ़ी सारे लोग ऊपर भी बैठे हुए हैं। हम नीचे ही बैठ गए थे अब्बू की वजह से और मेरी मदर इन लॉ की वजह से, वो ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ नहीं सकते। और यहाँ से आप व्यू देखें, ज़बरदस्त किस्म का व्यू है यहाँ से ऊपर से तो, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मुझे तो दिल कर रहा है मैं यहीं पे रह जाऊँ लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, हमें यहाँ से डिनर करके जो है यहाँ से निकलना है आगे के लिए। और ये देखिए हमारा माशाल्लाह डिनर भी आ चुका है, तो डिनर सर्व होने लगा है, चले आए चलते हैं नीचे और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि डिनर में क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें डिनर में हमारे पास गर्मा गर्म जो है बिरयानी आ चुकी है और कोल्ड ड्रिंक है साथ में, और ये देखें काफ़ी सारे बॉक्सेस है। हम हेलो हेलो समरीन हेलो, ये तो यहाँ पे अब्बू भी हमारे साथ बैठे हुए हैं लेकिन अब्बू का दिल नहीं कर रहा अभी खाने का, तो हम खाने लगे हैं डिनर। और देखे डिनर में अभी और भी चीज़ें आने लगी, अब ये जो है इन्होंने कढ़ाई भेजी है, इसके साथ ये ईरानी रोटी है। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी आ जाए हमारे साथ, और मज़ेदार यमी सी बिरयानी भी है, तो काफ़ी कुछ है डिनर में, तो आप लोग भी आ जाएँ और हमारे साथ इन्जॉय करें। और अब देखें ये डिनर के बाद जो है ना हुक्का आ गया यहाँ पर, तो अब हुक्का आ गया और हुक्का तो हमने से कोई पीता नहीं है। इसका हम लेते हैं सेक कोयले का, गर्मा गर्म कोयला। जेरा जेरा आपको पीने हुक्का? नहीं नहीं नहीं, हुक्के का पूरा हमने स्टाइल चेंज कर दिया, अच्छी लगी वो किया था, वो बनाया था। तो प्यारी सी YouTube फैमिली आप लोग भी आ जाए हुक्का पीना है तो, अगर हमने हुक्के का स्टाइल चेंज कर दिया सही जी। तो फ्रेंड्स हम डिनर कर चुके हैं, उसके बाद हुक्का भी आप लोगों को दिखाया, हुक्का हमें से किसी ने नहीं पिया। और ये देखें यहाँ पे जो है गर्मा गर्म चाय आ गई है, तो आ जाए मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली चाय एंजॉय करें इस सर्दी के मौसम में हमारे साथ। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये देखें करीब से, पहले मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी सारी राइड्स बच्चों की, और अब देखें करीब से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहीं से रास्ता है और यहीं से हम लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से रेस्टोरेंट से। और बाहर हमारी जो है बसेस आ चुकी हैं, हमें पता चला है कि भाई बसेस आ गई है, तो हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। तो हम करते हैं चाबहार को टाटा बाय बाय, और यहाँ से हम निकलेंगे जायदान के लिए बाय बस। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं बसेस कहाँ पे खड़ी है, आपको भी दिखाते हैं। और ये देखें रोड का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त, ऊपर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था लेकिन यहाँ करीब से तो और भी ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। नाइट व्यू आप देखें कितना ज़बरदस्त है चाबहार का। ये देख सकते हैं आप लोग हमारी बस आ चुकी है माशाल्लाह, और अब ये बस हमें जो है ये चाबहार से लेके जाएगी जायदान तक, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग्जरी बस है फ्रेंड्स।
और ये देख सकते हैं ये एक मेन रोड का व्यू है, मैंने आपको सामने पहले भी दिखाया, पहाड़ी है और काफ़ी बहुत खूबसूरत मंज़र है। और ये देखें हमारी बस का आपको एक साइड लुक भी दिखा देता हूँ मैं फ्रेंड्स, ये देखें साइड लुक है, बहुत ज़बरदस्त सी बस है, इसी तरह की तीन बसेस आई हुई है, तो हमारी बस ये वाली। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको अपनी बस का थोड़ा सा रिव्यू देते, सीट्स वगैरह दिखाते। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारी बस का एंट्रेंस है और अब हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं। आइजा आइजा हेलो करो, आइजा हाय करो, हेलो करो, हेलो हेलो। जेरा भी यहाँ बैठी है, कायनात भी यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे फ्रिज की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, पानी की बोतलें भी पड़ी हुई है। और ये हमारी सीट्स है, काफ़ी कंफर्टेबल है, खुली खुली सीट्स है, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारी सीट्स भी काफ़ी ऊपर हो जाती है, कंफर्टेबल सीट से पैर वगैरह रखने के लिए आराम से। समरीन यहाँ पे बैठ चुकी है, थक गई हो। तो फ्रेंड्स ये हमारी बस थी जो हम आपके साथ शेयर की, तो अब आगे चलेंगे इंशाल्लाह, आगे का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी बस यहाँ से रवाना हो गई है, चल पड़ी है ज़ायदान के लिए। और मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बाहर का नाइट व्यू भी दिखाऊं, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ का चाबहार का नाइट व्यू है। स्ट्रीट्स पे आप देखें कितनी सफाई है, लाइट्स देखें आप, और बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और इस बस की खासियत ये है कि इसकी विंडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी है, देखें आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है टीवी की स्क्रीन लगी हुई हो ना, बड़ी सी इस टाइप की इसकी विंडोज़ है। और ये देखें, तो अब हम डिनर भी कर चुके, बस में बैठ चुके, अब हमें आ रही बहुत ज़्यादा नींद फ्रेंड्स, तो अब हम सो जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे सुबह के टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है, सुबह बखैर। और देखें सुबह का सुबह के हसीन नज़ारे देखें, पहले मैंने आपको रात के नज़ारे दिखाए, अब ये सुबह के नज़ारे तो कुछ अलग ही है। और हम लोग सब उठ चुके हैं और अभी इस टाइम जो है हम चाय वगैरह पी रहे हैं। और ये देखें बाहर हसीन, देखें पहाड़ और इस तरह के ऊंचे नीचे ढलाने हैं, और बहुत ज़बरदस्त रोड व्यू है कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और जो है अभी हम ज़ायदान बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। तो जब तक मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा रोड का व्यू दिन का भी शेयर किया जाए, तो अब देखें मैं अपनी सीट से उठ के ख़ास आप लोगों के लिए जो है फ्रंट पे आ चुका हूँ, बिल्कुल जो फ्रंट की विंडो होती है ड्राइवर सीट के बराबर में, वहाँ आके वहाँ से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये देखिए ये रोड जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं मुझे जब इस तरह की टर्निंग्स आती है और दोनों तरफ पहाड़ी पहाड़, तो बहुत ज़बरदस्त एक व्यू आता है। और नेचुरल आप देखें कितना गॉड की तरफ से, देखें हमारे पाकिस्तान में कितनी नेचुरल ब्यूटी है और जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और पाकिस्तान के, अब तो हम जैसे ज़ायदान की तरफ जा रहे हैं, ये तो ईरान शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी कम खूबसूरती नहीं है। और ये देखें अब हम लोग जो है कहवा पी रहे हैं इधर बस में ही, और ये मोहम्मद सकलेन मुझे दे रहे हैं कहवा। और फ्रेंड्स अब देखें सूरज भी निकल चुका, और देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों में से, इस तरह से सूरज सनराइज़ देख के मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें उमूमन देखने को नहीं मिलती या बहुत कम देखने को मिलती है। तो मैंने सोचा चले इसको भी कैप्चर करके आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग भी देखें इस खूबसूरत कुदरत के नज़ारे को, और इस बड़ी विंडोज़ से देखने का तो एक मज़ा ही अलग है फ्रेंड्स। तो पहले जितनी भी बसेस में हम बैठे, पिछली बसेस में उनकी विंडोज़ काफ़ी छोटी छोटी थी, इसकी विंडोज़ काफ़ी बड़ी है। और ये देखें अभी जो है हम लोग बस रवा दवा है ज़ायदान की तरफ, और जैसे ही ज़ायदान पहुंचते हैं तो फिर आगे का भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह से व्लॉग में बने रहिएगा, और जब तक आप इंजॉय करें इन रोड्स का व्यू।
यहाँ पे देखे अब्बू जो है वो सो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि रात को अब्बू को नींद नहीं आई थी, तो मैंने कहा बल्ले आप अभी इस टाइम सो जाएं। और यहाँ की इसकी बस की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इंसान आराम से इजीली लेट भी सकता है। और ये देखिए यहाँ पे समरीन जो है दुआ पढ़ रही है, और अभी जो है हम लोग चाय वगैरह पी चुके हैं, और बच्चे देखे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं नीचे बैठ के। हेलो, बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता जैसे कि आप लोगों को दिखाया फ्रेंड्स। और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, और बस वहाँ पहुँचते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। फाइनली हम लोग जो है सब कुछ क्रॉस करके, सारी बॉर्डर्स क्रॉस करके ईरान की, और ईरान में एंटर हो चुके हैं, और हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे समरीन, ज़ायदान। तो फ्रेंड्स हम लोग ज़ायदान स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं हम अपने व्लॉग का एंड। तो आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, हमने फुल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की कराची से लेके और ज़ायदान पहुंचने तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए, और प्लीज़ 5 लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, और जिसे सब्सक्राइब नहीं किया चुप चुप के ना देखे सब्सक्राइब करके देख लिया करें। तो आप लोगों को आगे के आने वाले व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आगे हम बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं सारे। तो अगर वो देखने हैं तो उसके लिए आपको लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसलिए फौरन जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली ट्रेन की और बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप कमेंट जैसे करेंगे तो हमें पता चलेगा आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।